नमस्कार दोस्तों, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत इस वीडियो में हमारा टॉपिक है संघ राज्यों के संबंध। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान को विधायीपालिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है। जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करते हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं, जिसमें केंद्र राज्य संबंध तीन भागों में विभाजित हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक एवं वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक। आइए देखते हैं विधायी संबंधों के विषय में। भाग 9 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करता है। इसमें शामिल है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनी क्षेत्राधिकार, विधायी विषयों के वितरण, राज्य सूची में एक विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्तियां, केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली राज्य विधानमंडल। हालांकि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध शक्तियों का वितरण प्रदान करती है। विधायी विषयों को प्रथम सूची संघ सूची एवं दूसरी द्वितीय सूची संवर्ती सूची और तृतीय सूची राज्य सूची में बांटा गया है, जिनके अंतर्गत वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल है, जिसमें विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे, डाक सेवा, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा आदि जैसे विषय शामिल किए गए हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय शामिल है, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार, पेयजल की सुविधा, साफ सफाई आदि जैसे विषय राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। साथ ही वर्तमान में संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। इस सूची में शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पंछियों की रक्षा, बिजली, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दवा आदि जैसे विषय संवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। विधायी संबंधों के विषय में अनुच्छेद 245 अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कुछ मामलों में राज्य को निर्देश देने के लिए केंद्र को शक्तियां प्रदान करता है। साथ ही अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में एक विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 250 के तहत संसद जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लगती है, यानी अनुच्छेद 352 होती है, तो संसद के हाथों में राज्य सूची से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्तियां संसद के पास आ जाती है। अनुच्छेद 252 के तहत संसद के पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आइए देखते हैं प्रशासनिक संबंधों के विषय में। तो प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के आदान प्रदान से है। अनुच्छेद 256 यह बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का अधिकार है।
कोई भी मौजूदा कानून जो उस राज्य पर लागू होता है और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करने हेतु एक राज्य को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिसे राज्य को इस उद्देश्य हेतु भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है। आइए देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। तो संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं। इसमें शामिल है पहला अनुच्छेद 261, यह बताता है कि सार्वजनिक कानूनों रिकार्डों और प्रत्येक राज्य तथा संघ के न्यायिक कार्यवाही के लिए पूर्ण विश्वास और पूरा श्रेय भारतीय भूभाग को दिया जाना चाहिए। दूसरा बताता है अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर निर्णय या फैसला सुना सकती है। साथ ही प्रशासनिक संबंधों में अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच विवादों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति को जांच कराने के लिए एक अंतर राज्य परिषद का गठन करने की शक्ति देता है। यह राष्ट्रपति को कुछ या सभी राज्यों या संघ अथवा एक से अधिक राज्यों के उन विषयों पर जांच या चर्चा कराने की अनुमति देता है जिन पर सभी का एक साझा हित होता है। अनुच्छेद 307 के अनुसार संसद कानून के द्वारा व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रायोजन को क्रियान्वित करने के लिए उचित समझे जाने वाले कानून द्वारा ऐसे प्राधिकार नियुक्त कर सकता है। आइए देखते हैं आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के संबंध। एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। राज्य के सभी कार्यकारी कार्य केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। एक राज्य में आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के विधानमंडल के अलावा राष्ट्रपति खुद सभी या राज्य सरकार और राज्य में राज्यपाल या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और सभी या किसी भी कार्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। साथ ही वित्तीय आपात स्थिति में यानी अनुच्छेद 360 के दौरान संघ अथवा केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के दिशा निर्देश दे सकती है जो विशिष्ट दिशा निर्देश हो सकते हैं। इन्हें दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्टतः और आवश्यक निर्णय दे सकते हैं। आइए देखते हैं वित्तीय संबंधों के विषय में अनुच्छेद। संविधान के 12वें भाग का अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 293 केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित है। इसके अंतर्गत राजस्व शक्तियों का आवंटन, संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। केंद्र और राज्यों को आवंटित शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है जिसमें संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कर लगाने की अन्यन्य शक्ति प्राप्त है, राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाए जाने के अधिकार प्राप्त हैं। संसद के पास अपशिष्ट विषयों से संबंधित मामलों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। कर राजस्व वितरण के मामले में अनुच्छेद 268 यह बताता है कि कर संघ अथवा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य द्वारा उन्हें एकत्र और विनियोजित किया जाता है। सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ एवं राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। इसे अनुच्छेद 268 ए में वर्णित किया गया है।
करों को संघ द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों को सौंपा जाता है। इसे अनुच्छेद 269 में वर्णित किया गया है एवं अनुच्छेद 270 में करों को संघ द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों और संघों के बीच वितरित किया जाता है। अनुच्छेद 271 के अनुसार संघ के प्रयोजन के लिए कुछ खास शुल्कों और करों पर अधिभार लगाया जाता है। अनुच्छेद 275 के तहत संसद किसी भी राज्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत है। संसद सहायता की जरूरत निर्धारित की जरूरत होने के लिए निर्धारित कर सकती है। अनुदान सहायता की जरूरत निर्धारित कर सकते हैं और विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न राशियां तय की जा सकती है। अनुच्छेद 282 के तहत संघ या किसी राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं, बावजूद इसके भी कि जिस संदर्भ के साथ संसद और राज्य विधायिका नियमों का निर्माण किया है वो उसका उद्देश्य है या नहीं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात काल की कार्रवाई के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात स्थिति के ऑपरेशन के दौरान संघ अथवा केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के दिशा निर्देश दे सकता है, जो विशिष्ट दिशा निर्दिष्ट भी हो सकते हैं। इन दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्ट और आवश्यक निर्णय दे सकता है। आइए देखते हैं वित्तीय आपातकाल के दौरान वित्तीय संबंधों के दौरान केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार है। अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करना, जितना संभव हो सके राज्यों के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, राज्यों के लिए वित्तीय संसाधनों का अधिक हस्तांतरण करना, इस तरह के हस्तांतरण की व्यवस्था करना जिससे राज्य अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, राज्यों के लिए ऋण की प्रगति उत्पादक सिद्धांत के रूप में संबंधित होनी चाहिए, राज्यों में उनके अनुरोध या अन्यथा के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती करवाना, राज्य आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो यह थे राज्य एवं केंद्र के बीच संबंध, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध दिए गए हैं। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं आपातकाल क्या है, जिसे तीन प्रकार से बांटा गया है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन एवं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अगले वीडियो में हम इन्हें विस्तार से समझने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।